तो दोस्तों, अक्सर मैं अपनी वीडियो में बोलता रहता हूँ कि जो भी आप किसी से वर्क परमिट का लगवाते हो, पहले उस बंदे के बारे में अच्छी तरह से जान लो, बंदा कैसा है, एजेंट कैसा है, उसका रिकॉर्ड चेक करो, उसके बाद लगाओ। ये नहीं कि बंदा यूरोपियन है या बाहर बैठा हुआ है तो आपका वीज़ा लगवा देगा या उसके पास ऐसा कुछ है। तो बड़ी बार मैंने बोला हुआ है लेकिन लोग समझते नहीं हैं और ऐसा ही इश्यू हो गया है। तो बंदा रहता है जी माल्टा में, और जिसने वीज़े लगवाने थे, अपने रिश्तेदारों के वीज़े लगाने थे, जैसे साला हो गया और कज़न हो गया, उनके उन्हें उसने वीज़े लगाने थे। बंदा रहता है माल्टा में ही। तो उस बंदे को मैं जानता था, कभी मिला नहीं हूँ फेस टू फेस, लेकिन हाँ फ़ोन पे हेलो हुई हुई है हमारी हमारी। तो उसके थ्रू एक बंदा आता है जी कतर से। तो जिस बंदे का उसने वीज़ा लगवा के दिया था, कहता भाई कमल भाई, बंदे ने वीज़ा तो लगवा के दिया है लेकिन एक नंबर का लालची बंदा है, बार बार पैसे की डिमांड करता रहता है और आपको डराता है कि हाँ भी अगर तू पैसा और नहीं देगा तो मैं तेरा वीज़ा रिमूव करवा दूंगा, रिवोक करवा दूंगा, अगर आप माल्टा में एंटर नहीं हुए हो तो। उस बंदे ने मुझे ऐसा बोला है और मैंने बताया भी है कि भाई बंदे का ये है सीन। तो मुझे कब से कह रहा था कि मुझे तो बस बंदा दे दो, मैं खुद बात कर लूँगा, ऐसा है वैसा है। मैं कहा ठीक है भाई। तो मैंने पहले कहा था कि जो भी होगा तेरा इसमें केस, मैं इस केस में इन्वॉल्व नहीं हूँ। पहले मेरी उससे बात हुई थी कि मैं तेरे को बंदे दे दूंगा, क्या रेट करता है ना, मैंने आपको बताया भी था, मैंने मैंने एक वीडियो भी डाली थी क्रोशिया के लिए, वेटर के लिए, क्या नाम है, वेटर के लिए और हाउसकीपिंग की जॉब्स के लिए मैंने वीडियो भी डाली थी इसके ऊपर। तो बात हो गई थी, ट्रस्ट पे चलेगी बात, कि मेरे को बंदा अटपटा लगा। मैं और मैं चाहता नहीं कि यार किसी के बंदे के पैसे फंसवा दूँ, मैं वो काम मेरा नहीं है। मैं काम, मुझे जेन्युइन काम पसंद है, मुझे किसी के साथ चीटिंग हो गई, धोखाधड़ी, ये काम पसंद ही नहीं है। तो इसलिए फिर मेरे को बहुत मैसेज उसने किए कि बंदे दे मेरे को, बंदे दे, कोई भी नेशनलिटी होगी एशियन नेशनलिटी दे मेरे को, मैं वीज़ा 100% दिलवाऊंगा, मेरा 95% है मेरा वीज़ा रेशो, ये वो सारा कुछ उसने बताया था मेरे को। मैंने कुछ कुछ उसकी बातें मान भी ली थी। बताऊँ क्या है कि बंदा जब वीज़े लगवा के दिखा रहा होगी, भाई ये देखो आज मेरे इतने बंदे जा रहे हैं, इनको ब्लू पेपर मिल चुका है, इतने वीज़े मैंने लगवा के दिए हैं, तो बंदा उस समय बिलीव कर लेता है। चलो मैंने बिलीव कर लिया और मैंने तीन बहुत सारे लोगों से बात भी कर ली, लेकिन मैं चाहता था उससे खुद मिलूं एक बार। सर ये हमारी सिर्फ फ़ोन पे बात हुई है, चैट पे बात हुई है हमारी सारी। ये तो फाइनली बात जब हुई बंदे देने की, तो बंदों से मैंने डॉक्यूमेंट भी मंगवा लिया। मैंने डॉक्यूमेंट मंगवाने के बाद एक बंदे का डॉक्यूमेंट दिया, तो उसके बाद पैसे के बारे में बोला। मैंने कहा पहले इसका प्रोसेस शुरू कर, तो मैं तेरे को पैसे देता हूँ फिर। मैं तो स्टार्टिंग में ही बोलता है पहले पैसे लूँगा मैं, बार बार उसके मन में पैसा ही पैसा पैसा था। तो फिर मैंने स्टेप बैक कर लिया, मैंने कहा यार पीछे हटना सही है, जो बंदा हर चीज़ में सिर्फ पैसे को ही बोल रहा है, पैसा पैसा बोल रहा है, तो उस बंदे से बच के रहो। चलो मैं तो बच गया, लोगों के पैसे मैंने बचा दिए, सेव कर दिए मैंने, लेकिन जो वो एक लड़का था, जो बंदा मेरे से पैसे के लिए कह रहा था, पंजाबी बंदा है, तो मुझे कहता एजेंट का नंबर दे, मैंने उसको मैंने पहले से दिया हुआ था ये बात होने से पहले, और मैंने उसको सारी बात बता दी थी, भाई बंदा थोड़ा सा लालची है ऐसे करके, तो ये फंस गया उसके जंगल में। तो उसने एक फाइल दे दी, 500 यूरो दे दिए। तो इसने गलती से ये बोल दिया, तो ये मेरी फाइल लगा दे, बाकी मैं तेरे को 3-4 बंदों की और फाइल दूंगा। तो अब उसकी बंदे की गरारी क्या फंस गई बंदे की। बंदा जो है रोमानिया का है और वहाँ के बंदे मुझे शुरू से ही पसंद नहीं है दोस्तों। अब क्यों नहीं पसंद है भगवान जाने, क्योंकि मैं जब दुबई में था उनके साथ मेरा जो था इंटरेक्शन लगा लो या कुछ भी लगा लो, वो मुझे जमा नहीं। तो मेरे को उसकी नेशनलिटी देख के भी कुछ मुझे अटका था मेरे को। तो इस बंदे ने पैसे दे दिए, अब पैसे देने के बाद क्या बोलता है कि मुझे 3-4 बंदों की फ़ाइल और देगा, तब जाके मैं तेरा फाइल आगे बढ़ाऊंगा। अब इस बात की क्या गारंटी है कि 3-4 बंदे की फ़ाइल भी दे देगा, उसके बाद फिर इन लोगों की भी फ़ाइल नहीं आगे बढ़ाएगा। 500 रुपये तो उसके डूब गए, और बोलता कि भाई मेरे को आगे नहीं इन लोगों का करना है, क्या पता कि उनके चक्कर में और बंदे के साथ भी ऐसा हो गया तो मेरे लेने बढ़ जाएंगे। किसी को आपने पैसा दिया, आप क्या कर लोगे बताओ उसका। यहाँ पे यूरोप में बहुत गंदा सिस्टम होता है, सीधा बोलते हैं भाई केस करो, वो करो वो करो, इतना टाइम समय किसके पास है बताओ, किसी के पास भी समय नहीं है। अब बेचारे एक लड़के के साथ धोखा क्या हो गया, डिलीवरी कर रहा था, ऑर्डर लेके जाता है कस्टमर के डोर में, कस्टमर आती है बाहर, उसको 50 का नोट देती है, 45 समथिंग का बिल था, उसको बोलती है कीप द चेंज, बोलती है वो भी खुश हो जाता है, उसके बाद कीप द चेंज करके वो अंदर चली जाती है दरवाजे के अंदर। जब वो अच्छी तरह से नोट देखता था वो तो डुप्लीकेट निकला जी। तो वो बार बार डोर बजा रहा है, उसको फ़ोन कर रहा है, रिस्पॉन्स नहीं कर रही, हार के उसने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस वाले बोलते हैं कि भाई केस करो,
उसके बाद फिर ये होगा वो होगा, बताओ इतना लंबा समय कौन जाएगा, कितना किसके पास है इतना समय। तो ये है दोस्तों यहाँ के सिस्टम। तो किसी से भी कोई भी लेन देन करोगे वर्क वीज़ा रिलेटेड एजेंट से, ध्यानपूर्वक दोस्तों करना। डजन मैटर कि वो कहाँ बैठा है, ये नहीं कि बाहर बैठा है मेरा काम कर देगा। ये वीडियो थी सतर्क रहने के लिए, अपना पैसा और अपना समय बचा के रखो। थैंक यू सो मच।